नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और अब जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि अपने अगले सेशन पिछले सेशन को आगे बढ़ाते हुए, हम एसएससी जीडी पर बात कर रहे थे। और पिछली क्लास में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के 31 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका जो कि वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक युग है, वैदिक युग पर आधारित आज हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। लगभग आज जो है हम 32 के आगे लगभग 50 तक जो है हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक सीरीज है जिसमें लगभग आपको 800 क्वेश्चंस से समथिंग मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा जिससे कि नई नई वीडियो समय से पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है कि अथर्ववेद खंडों का एक संग्रह है। आपको बताना है कि अथर्ववेद में कुल कितने खंड थे। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि अथर्ववेद में कुल कितने खंड हैं, ये आपको बतलाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में कि 20 है, 15 है, या आपके 10 हैं, या 5 हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो ए ऑप्शन है, यानी कि अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है, अथर्ववेद आपके 20 या कहें कि जो 20 इसमें आंसर दे रखा है, ए वाला ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद आपके 20 खंडों का एक संग्रह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे वेदों के रूप में पूजा जाता था या जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था, ये नदियाँ कौन कौन सी हैं, आपको ये बतलाना है। ठीक है, यानी कि अगर आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच का एक संवाद होता है, आपको बतलाना है कि वो दो नदियाँ कौन सी हैं जो कि ऋग्वेद में विश्वामित्र और उनके बीच में जो संवाद हुआ है। नंबर 1 है अलकनंदा और भागीरथी, नंबर 2 रावी और चिनाब, नंबर सी यानी कि ऑप्शन सी जो है गंगा और यमुना, और नंबर डी जो ऑप्शन पे है व्यास और सतलुज। यदि आप ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में विश्वामित्र और दो नदियों के बीच जो वार्तालाप मिलता है वो मिलता है आपका व्यास और सतलुज नदियों के बीच में, यानी कि व्यास और सतलुज नदी के बीच में जो है वार्तालाप आपको देखने को मिलेगा। तो यही क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि वो कौन सी नदियाँ हैं जहाँ पर वो वार्तालाप मिलता है, तो वो है आपका डी ऑप्शन व्यास और सतलुज नदी के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। ये क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण। यदि आप वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ोगे तो वैदिक सभ्यता के, यदि आप ऋग्वेद में पढ़ते, वेद इसी वैदिक सभ्यता में लिखे गए, तो इसमें यदि आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है सबसे नवीन मंडल है, कहा जाता है सबसे बाद में जोड़ा गया। इस 10वें मंडल में आपको 4 चतुर्थ कहते हैं आश्रम की चतुर्थ जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो मिलती है। चतुर्वर्ण कौन से बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें क्वेश्चन यही है कि जो लोगों की रक्षा और न्याय का जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किस वर्ण पर दी गई थी, तो वो दी गई थी आपके सी वाले ऑप्शन यानी कि क्षत्रिय के लिए। ये क्षत्रिय का कार्य था कि वो क्या है, वह लोगों के जो है रक्षा करे और उनके लिए जो है वो न्याय प्रोवाइड करे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। पूछा था कौन सी संगीत की पहली पुस्तक का दर्जा रखता है, कौन सा सबसे लोकप्रिय वेद है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सामवेद है,
ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो यदि हम वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों में एक वेद आता है सामवेद, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल सही है। सामवेद को क्या कहा गया है? सामवेद को संगीत से संबंधित वेद कहा गया है, और सामवेद वही क्या है? संगीत की पहली पुस्तक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, संगीत की पहली पुस्तक किसे कहा गया है? संगीत की पहली पुस्तक किसके लिए कहा गया है? तो संगीत की पहली पुस्तक सामवेद के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? सामवेद के लिए कहा गया है, यानी कि 35 का जो सही आंसर रहता है वो आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? अगर आप वेदों की बात करते हैं तो जो वेद है वो चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि हम वेदों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद को माना गया है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। और क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया है कि निम्न में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे प्राचीन वेद बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहते हैं, देखिएगा, लिखा हुआ है 1800 से 1500 ईसा पूर्व की, 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप ऋग्वेद की जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियां क्या होती हैं पहले आपको बता दूं, पांडुलिपियां वह लिपियां होती हैं जो मूल रूप से जिन पर वो चीज़ लिखी गई थी। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद प्रारंभिक रूप से भोजपत्रों पर, ताड़पत्रों पर, या जो आपके जो बुर्ज छाल होती है, एक पौधा होता है बुर्ज छाल होती है, उस पर लिखे गए ये श्लोक हैं। तो इनकी जो पांडुलिपियाँ हैं जो कि ओरिजिनल फॉर्म है, वो किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई, क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 के चार विकल्प दे रखे हैं, वर्ष 2008, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी 2007। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2007। वर्ष 2007 में इन कहता है पांडुलिपियों को जो है वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है वो शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखिएगा, लिखा हुआ है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी, एक शेर का, एक बराह का, एक बाघ का, एक हाथी का। तो यदि आप पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों के अनुसार अगर हम कहते हैं कि जब एक बार ऐसा हुआ था कि देवता और असुर का कॉन्सेप्ट आता है कि देवता और असुरों के में जब लड़ाई हुई तो असुर विजयी हुए और असुर में एक राक्षस था, वो इस पृथ्वी को लेकर जो है समुद्र के नीचे चला गया और उसने उसको जो वहाँ पर डुबो दिया। बाद में भगवान विष्णु के कहा था कि अवतार हुए, उन अवतारों में एक वराह का अवतार हुआ जिसमें भगवान ने शूकर के रूप में जो है एक सूअर के रूप में जन्म लिया और उस धरती को समुद्र से जो है वो ऊपर लेके आए थे। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है आपका एक वराह अवतार, और वो ऑप्शन है आपका बी कि किस रूप में धरती का उन्होंने बचाने के लिए जो है रूप धारण किया था, तो उन्होंने वराह का रूप धारण किया था धरती को बचाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 क्या कहता है, इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के चार लक्ष्यों से निर्धारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इन लक्ष्यों में से एक नहीं है? यानी कि चार पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, चार पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। अगर आपसे पूछा था चार पुरुषार्थ कौन से हैं, चार पुरुषार्थ कौन से हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 39 क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है चार पुरुषार्थों में कौन सा एक नहीं है। तो चार पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, इनमें देखना है कौन सा नहीं आता है।
ऑप्शन ए सिद्धि, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मोक्ष और ऑप्शन डी जो है धर्म। तो ए ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल आता है 39 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सिद्धि ऑप्शन इसमें आता है। सिद्धि चार पुरुषार्थों में नहीं बतलाई गई है, सिद्धि का कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पर चार पुरुषार्थों में शामिल नहीं है? सिद्धि यहाँ पर चार पुरुषार्थों में शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, 39 के 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है रामायण के अनुसार का दूसरा नाम रत्नाकर था। रामायण के अनुसार निम्न में से किस व्यक्ति का दूसरा नाम रत्नाकर था? यदि आप रामायण को आप पढ़ेंगे तो रामायण में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रत्नाकर बतलाया गया है, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस व्यक्ति का नाम रत्नाकर था। विश्वामित्र का नाम रत्नाकर था, गौतम का नाम रत्नाकर था, दुर्वासा, यहाँ पर जरा देखिएगा सी ऑप्शन, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है टाइपिंग, दुर्वासा पढ़े, वैसे ये गलत लिखा हुआ है। अगर दुर्वासा की वर्तनी के रूप में देखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, दुर्वासा। वाल्मीकि, तो वाल्मीकि के बारे में वहाँ पर एक कथा का वर्णन मिलता है जिन्होंने रामायण को लिखा, ठीक है। तो इसमें वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या बतलाया गया है? रत्नाकर बतलाया गया है। तो सही आंसर यहाँ पर 40 का क्या आता है? 40 का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, जरा 41 देखिएगा। लिखा हुआ है वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते थे? वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते थे? क्वेश्चन नंबर 40 जरा देखिएगा। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या है? जो है सूत्र कहलाते हैं, पाद कहलाते हैं, संहिता कहलाती है, या मुख कहलाते हैं। तो यदि आप वैदिक भजनों की बात करते हैं, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को आप क्या बोलेंगे? वैदिक संग जो भजन है उनका जो मुख्य संग्रह है वो मुख कहलाता था। क्या कहलाता था? मुख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये यहाँ पर नहीं होगा। 41 का वैदिक क्वेश्चन है कि एक मिनट, क्वेश्चन है वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह क्या कहलाता है? सूत्र, पाद, संहिता या मुख। तो वैदिक भजनों का जो मुख्य संग्रह है वो क्या कहलाता है? आपका संहिता कहलाता है। संहिता क्या है? संहिता जो है वैदिक भजनों का एक मुख्य संग्रह है, यानी कि संहिता में जो वैदिक भजन है वो संग्रहित किए गए हैं। तो सही आंसर इसका आता है 41 का, आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, 42 देखिएगा क्या कहता है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, लिखा हुआ है पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र संग्रह या सूक्त है? पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र संग्रह या सूक्त है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। नंबर एक अथर्ववेद, नंबर दो यजुर्वेद, नंबर तीन ऋग्वेद और नंबर चार सामवेद। यदि हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो पुरुष सूक्त में एक जो है वो किस वेद का एकमात्र संग्रह है? तो 42 का जो सही आंसर जाता है वो जाता है आपका सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है, यानी कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका सही आंसर है कि वो किस में आता है, जो है आपका ऋग्वेद का एकमात्र जो संग्रह है सूक्त है वो कौन सा है? आपका पुरुष सूक्त है, यानी कि 42 का सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है देखिएगा। लिखा है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता था? नंबर एक ज्ञाति, नंबर दो बाली, नंबर तीन संहिता और नंबर चार विधाता। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था कि वैदिक भजनों या संग्रहों के मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है भैया? संहिता कहा जाता है। संहिता आंसर बिल्कुल सही था, यानी कि 43 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो संहिता यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऋग्वेद के कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद की यदि हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। इन 10 मंडलों की यदि आप बात करते हैं तो 2 से 7 जो है वो आपके प्राचीन मंडल है,
दो से सात कैसे हैं आपके? प्राचीन मंडल है। आठ और नौ ये बाद में जोड़े गए। आठ और नौ मंडल कैसे हैं? ये बाद में जोड़े गए, यानी कि रचना इनकी बाद में हुई। और दसवां जो मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। दसवां जो मंडल है वो कैसा है? सबसे नवीन मंडल बतलाया गया है। तो ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? दसवां मंडल है। और इस दसवें मंडल में क्या है आपके? चार वर्ण। अभी थोड़ी देर पहले जो आप पढ़ रहे थे वो चार वर्ण कौन कौन से हैं? नंबर एक ब्राह्मण, जो सर्वोपरि है। नंबर दो क्षत्रिय, जो कि सुरक्षा और न्याय का काम करते हैं। नंबर तीन आपका वैश्य। और नंबर चार यानी कि सबसे निचले श्रेणी में रखे गए वो हैं आपके शूद्र। तो ये चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था कहाँ पर बतलाई गई थी? ऋग्वेद में बतलाई गई थी। और इन चारों का जो चारों वर्ण है वो कौन से? दसवें मंडल में मिलते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है, राज के प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते भारत का ध्येय वाक्य भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का ध्येय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो ध्येय वाक्य है वो आपको पता होना चाहिए, सत्यमेव जयते है। ये क्या है? सत्यमेव जयते जो दे रखा है ये क्या है? ये भारत का ध्येय वाक्य है। क्या है? भारत का ध्येय वाक्य। ये भारत का ध्येय वाक्य है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ये लिया कहाँ गया, कहाँ से गया है? तो भारत का जो ध्येय वाक्य है, यदि आप उसे पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में ही एक मुंडक उपनिषद है, उस मुंडको उपनिषद से क्या है इसके लिए लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 45 का डी आपका बिल्कुल सही आंसर है कि इसे कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, या मुंडक उपनिषद से इसके लिए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 46 क्या कहता है। लिखा हुआ है, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी या मवेशियों का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, राजा को गोपति कहा गया है तो गोपति का मतलब क्या है? ठीक है, गोपति, गो मतलब गाय और पति मतलब मालिक, यानी कि गायों के मालिक के लिए गोपति कहा जाता था। और ऋग्वेद की यदि बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो गाय है सबसे पवित्रतम पशु माना गया, इसके लिए अगन्या कहा गया, यानी इसका वध नहीं किया सकता, इसको मारने पर बहुत ही बड़ा अपराध जो है व्यक्ति पर लगता है। ऐसी बहुत सारी बातें ऋग्वेद में गाय के संबंध में बताई गई हैं। तो कहा था उस दौर में जो युद्ध हुआ करते थे वो जानवरों के लिए हुआ करते थे, ऋग्वैदिक कालीन की व्यवस्था में, तो वहाँ पर जिसके पास सबसे ज़्यादा पशु हुआ करते थे उसी के लिए गोपति या राजा कहा जाता था। तो इसका सही अर्थ जाता है कि गोपति का मतलब क्या होगा? फिर गोपति का सही मतलब होगा डी ऑप्शन, यानी कि मवेशियों का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? नंबर एक व्याकरण, नंबर दो चढ़ा, नंबर तीन कल्प और नंबर चार शिक्षा। यदि हम वेदांगों के संदर्भ में बात करते हैं और पूछता है अनुष्ठान को दर्शाने वाला क्या है, तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है आपका 47 का सी, यानी कि कल्प को, यानी कि वेदांगों में जो कल्प है वो क्या है? वो आपके अनुष्ठान को दर्शाते हैं, यानी कि सही आंसर यहाँ पर 47 का सी जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित नदियों में किसे वैदिक काल में परशुरी के नाम से जाना था? निम्नलिखित नदियों में किस नदी को वैदिक काल में परशुरी के नाम से जाना जाता था? नंबर एक रावी, नंबर दो चिनाब, नंबर तीन सतलज और नंबर चार आपका व्याज। क्वेश्चन नंबर 48, अगर हम 48 की बात करते हैं तो इनमें एक नदी थी और वो नदी थी रावी। रावी नदी जो है इसको क्या कहा जाता था? इसको परशुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
परसुणी कहा जाता था, तो सही आंसर इसका यही है कि किस नदी को परसुणी के नाम से जाना जाता था, तो रावी नदी को परसुणी नदी के नाम से जाना था। इसी नदी पर, रावी नदी के तट पर ही सिकंदर की जो सेना का जो है वो युद्ध हुआ था, जो भारत का आया था पोरस उसके साथ, ठीक है। तो पोरस के साथ सिकंदर की सेनाओं का युद्ध हुआ था और इसमें पोरस जो था वो युद्ध को हार गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है, यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वैदिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है, यह आपको बतलाना है। नंबर एक, क्षत्रिय योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाह से हुई थी, नहीं गलत है ये, कह रहा है कौन सा, सॉरी पुरुष की बाह से हुई थी, ये सही है, परम पुरुष की भुजाओं से जो है क्षत्रियों का जन्म हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। नंबर दो, वैश्य फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की जंगा से हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी, पुरुष का मतलब यहां पर उस परम पुरुष की बात हो रही है जिससे ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए, तो ये वाला भी आप जो आपका है गलत है। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से ना होकर उसके मुख से हुई थी, तो सही आंसर क्या है आपका, ये सी वाला भी गलत दिख रहा है, लेकिन डी को पढ़ ले। शूद्र आश्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी, पुरुष के पैरों से हुई थी, ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। वैदिक परंपरा के अनुसार शूद्र जो है परमपिता परमेश्वर के चरणों से उत्पन्न हुए, यानी कि आपका डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। और देख रहा है कि कौन सा गलत है, आप ये देखिएगा कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो सी आंसर है, द ब्राह्मण और पृष्ठ केम फ्रॉम परसा ईयर्स, यानी कि ब्राह्मण और पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी, ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन यानी कि 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था, ये क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। सोनागिरी, पापापुरी, श्रवणबेलगोला या माउंट आबू। तो यदि हम भगवान महावीर के बारे में पढ़ते हैं तो भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका उनको मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था, इनको मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुआ था। पावापुरी नामक स्थान पर क्या है, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि उनको मोक्ष कहाँ मिला था, उनको मोक्ष पावापुरी में जो है वो प्राप्त हुआ था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, आज के आगे के क्वेश्चन 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन जो कि वैदिक सभ्यता से संबंधित थे, वेद से संबंधित थे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।